हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ अंतिमा दुबे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि आज मैं बात करूंगी अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप महंगे सैलून में जाते हैं, अच्छे पार्लर में जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वेल ग्रूम्ड है। मेरे हिसाब से आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो कैसी है, आपका जो पर्सोना है वो कैसा है, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करती है। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही बेसिक से एंड सिंपल से टिप्स दूंगी टू लुक एंड फील ब्यूटीफुल। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगी वो है एक्सरसाइज या वर्कआउट, चाहे वो जिम हो, योग हो या सिंपल वॉक ही हो, बट इसे आपको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे बात हो रही थी सेल्फ ग्रूमिंग की, तो बात यहाँ पे एक्सरसाइज और वर्कआउट की कहाँ से आ गई, क्योंकि हम इन सब चीजों को हेल्थ से ज्यादा रिलेट करते हैं। आज के 2-3 साल पहले मैं भी यही सोचती थी कि एक्सरसाइज और वर्कआउट का पर्सनैलिटी से क्या लेना देना, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप 1.5 से 2 महीने इस चीज को कंटिन्यू करके देखेंगे तो आपको खुद ही आपकी पर्सनैलिटी में एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। आपकी जो वॉक होगी वो काफी कॉन्फिडेंट वॉक होगी, आप जब बैठेंगे तो आपका पोस्चर करेक्ट होगा, आप बहुत एनर्जी फील करेंगे, आपका हर काम में मन लगेगा, आप खुश रहेंगे। तो इस चीज को आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। अगली चीज जो है वो है कि आप अपने बालों को 2 से 3 महीने में जरूर ट्रिम करवाएं, इससे आपके जो डल हेयर हैं, जो डैमेज हेयर हैं, वो निकल जाएंगे और आपके बाल जो हैं वो ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे। दूसरी चीज जो है वो है कि आपको अपने हेयर टाइप के हिसाब से ही हमेशा शैम्पू और कंडीशनर चूज करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, तो आपको अपने रूटीन में नेचुरल कंडीशनिंग जरूर शामिल करनी चाहिए, इससे आपके बाल जो है वो काफी मैनेजेबल हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। एक चीज मैं और कहूंगी कि प्लीज अपने हेयर स्टाइल में ओवरडू करने से बचे। मैंने देखा है कि यहाँ से ट्विस्ट, वहां से ट्विस्ट, ये क्लिप वो क्लिप, आप अपने बालों को जितना ही सिंपल रखेंगे, आपका हेयर स्टाइल जितना ही नीट होगा, आपके बाल उतने ही सुंदर लगेंगे। अगली चीज जो है वो है आईब्रो, जो कि हमारे फेस के इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक है। तो हमें हमेशा अपनी आईब्रो को शेप में रखना है। आपने देखा होगा जिस दिन हम अपनी आईब्रो को क्लीन करते हैं, उस दिन फेस पे एक अलग सा ग्लो होता है, हमारे फेस को एक डायमेंशन मिलता है। तो हमें वेट नहीं करना है कि जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तब जाके हम पार्लर जाएंगे, और पार्लर जाना भी क्यों, हम चाहें तो इसे खुद से भी कर सकते हैं। मार्केट में 50 से 100 रुपीज के बीच में एक टूल आता है जिसे ट्वीजर या प्लकर कहते हैं, तो आप उससे आराम से अपने आईब्रो को शेप में कर सकते हैं। और कोशिश करना कि अपने आईब्रो को बहुत पतला मत करना, इससे आप मैच्योर नजर आएंगे। आपको बस अपने आईब्रो का जो नेचुरल शेप है उसे ही फॉलो करना है, जो एक्स्ट्रा हेयर है बस उसे ही निकाल देना है, इससे आपकी आईब्रो को एक नेचुरल लुक भी मिलेगा एंड वेल शेप भी होगी। सेम चीज मैं फेशियल हेयर एंड हाथों पैरों के बालों के लिए भी बोलूंगी। फेशियल हेयर रिमूव करने में सब कंफर्टेबल नहीं होते एंड सबको जरूरत भी नहीं होती, लेकिन अपर लिप से मोस्टली बाल होते ही होते हैं, तो आपको उसे भी क्लीन करके रखना है। वो देखने में बहुत गंदा लगता है, एंड वेट नहीं करना है कि जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तभी क्लीन करेंगे, जैसे ही आपके बाल थोड़े बहुत दिखने लगे आप उसे क्लीन कर दें। एंड हाथों पैरों के बालों के लिए मैं बोलूंगी कि आपको मैक्सिमम 30 डेज में एक रूटीन बना लेना है कि मुझे हेयर रिमूव करना ही करना है। जो भी आपका फेवरेट मेथड है, चाहे वो एपिलेटर हो या वैक्सिंग हो या रेजर हो, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगली चीज जो है वो है ब्लैक हेड्स, ब्लैक नेक या ब्लैक एल्बो। आपने देखा होगा किसी किसी की गर्दन और कोहनी बहुत ज्यादा काली होती है, देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है, तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है एक्सफोलिएशन। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार स्क्रबिंग जरूर करनी है, इससे क्या होगा कि आपकी डेड स्किन निकल जाएगी एंड आपकी स्किन जो है हेल्दी एंड ग्लोइंग नजर आएगी। एंड ब्लैक नेक और ब्लैक एल्बो के लिए मार्केट में कई सारी क्रीम्स भी आती है, तो आप चाहें तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लैक हेड्स की। किसी किसी को इतना ज्यादा ब्लैक हेड्स होता है कि देखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, एंड इसको रिमूव करने का जो सबसे इजी तरीका है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको बस 5 से 10 मिनट तक स्टीम लेनी है। स्टीम चाहे आप स्टीमर से लें या पानी बॉईल करके लें, इससे क्या होगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। एंड मार्केट में एक ऐसा सा टूल आता है जो 20 से 50 रुपीज का आता है, इससे आपकी स्किन जब ऑलरेडी सॉफ्ट रहेगी, इससे आप जब ऐसे से करेंगे तो सारे ब्लैक हेड्स आपके निकल जाएंगे एंड आपकी स्किन जो है बहुत स्मूथ एंड क्लीन हो जाएगी। अगली चीज जो है वो है स्किन केयर। आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। मैं बहुत लंबा चौड़ा स्किन केयर रूटीन आपको नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ 4 चीजें फॉलो करनी है, क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन।
क्लीन तो सभी अपनी स्किन को रखते ही हैं, एंड जिनकी स्किन ऑयली है, जिनको ओपन पोर्स है, वो टोनर का भी इस्तेमाल जरूर करें। बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की, तो किसी किसी को लगता है कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपकी स्किन का टाइप चाहे जो भी हो, आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। अब बारी आती है सनस्क्रीन की, तो लगता है कि अभी हम घर में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप चाहे घर में हैं या बाहर जाएं, आप SPF जो है जरूर अप्लाई करें। अगली चीज जो है वो है कि आपको अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रखना है। क्रैक हील्स या ड्राई हैंड देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो आप हमेशा उसे क्लीन रखें एंड मॉइस्चराइज रखें। जिनको नेल्स लंबे रखने का शौक है, वो हमेशा अपने नेल्स को मेंटेन करके रखें, हमेशा उसे शेप में रखें, क्यूटिकल्स को काट के रखें, क्योंकि चिप नेल्स देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आधी नेल पेंट लगी हुई, आधी उतरी हुई, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। पर्सनली मुझे नेल्स लंबे रखना नहीं पसंद है, तो जिनको नेल्स लंबे रखना नहीं पसंद है वो भी अपने नेल्स को हमेशा शेप में रखें। अगली चीज जो है वो है मेकअप। तो किसी किसी को मेकअप करना पसंद होता है, किसी किसी को मेकअप करना नहीं पसंद होता। तो मैं उस मेकअप की बात नहीं कर रही कि आपको बहुत हैवी मेकअप करके डेली घर में रहना है। मैं बात कर रही हूँ कि आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं, बस उन्हें ही थोड़ा सा इनहेंस कर लें। जैसे कि आपकी आईब्रो कहीं कहीं से खाली है तो थोड़ा सा उसे फिल करके रखें, या आपको काजल या लाइनर में से कुछ भी लगाना पसंद है तो आप उसे थोड़ा सा लगा लें, या आप लिप टिंट यूज कर लें या चीक टिंट यूज कर लें। इससे क्या होगा कि आपको खुद भी अच्छा लगेगा एंड आप हमेशा प्रेजेंटेबल दिखेंगे। अगली चीज जो है वो है माउथ ऑडर या बॉडी ऑडर। किसी किसी के मुंह से इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि आप उसके पास खड़े होकर 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मेरे कॉन्टेक्ट में 1-2 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे काफी अच्छे रिलेशन भी हैं, बट मैं आज तक उनसे नहीं कह पाई कि आपके मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा है, आपके मुंह से अगर स्मेल आती है, तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपके दांतों में प्रॉब्लम है या आपके पेट में प्रॉब्लम है। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, एंड अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो भी आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। अपने मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखें, जब भी कुछ खाएं तो अपने मुंह को अच्छे से क्लीन रखें। अब बात कर लेते हैं बॉडी ऑडर की। तो किसी किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है, तो इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि साफ सफाई का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखें। एंड मार्केट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बॉडी मिस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, डीओ या रोल ऑन, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, उस चीज को जरूर यूज करें। अगली चीज जो है वो है क्लॉदिंग। तो सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगी वो है कि आपको ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ही पहनना है। जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करता हो आप वो पहने, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो आप वो पहने, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो आपको वो पहनना है, आपको ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कॉन्फिडेंस। तो आपको हमेशा उस चीज पे काम करना है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होगी, आपको डेली इस पे काम करना होगा और एक दिन देखेंगे कि आपकी वो चीज काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ चीजें होती हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनपे हम काम नहीं कर सकते, जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे किसी किसी को अपनी हाइट को लेके कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, किसी किसी को अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप बहुत खूबसूरत हो। अगर आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो तो एक चीज जान लो कि आपको गॉड ने बनाया है, और गॉड कभी भी कोई गलत चीज नहीं बना सकता, कोई अगली चीज नहीं बना सकता। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं और उनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करता। दैट मीन्स कि आप यूनिक हो, आप खूबसूरत हो, बस आपको यहाँ चेंज करने की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, एंड अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, एंड बगल में जो बेल बटन बनी है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।